गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन इंग्लिश लेंस चैनल। तो आज का ये एडिटोरियल है द हीट स्ट्रेस। आप लोग जानते होंगे काफ़ी दिनों से, लगभग 8-10 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हमारे इंडिया में ही नहीं, हर जगह, काफ़ी कई जगहों पे, इंडिया में तो पड़ ही रही है और इंडिया के बाहर भी काफ़ी गर्मी है। तो इंडिया, यहाँ पे जो बात हो रही है हीट स्ट्रेस की, वो इंडिया में जो गर्मी है उसके बारे में बात हो रही है। तो कल दिल्ली में जो टेम्परेचर था वो 52 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तो आप लोग भी कहाँ से हैं और वहाँ का टेम्परेचर कितना था वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसी गर्मी के बारे में ये एडिटोरियल है, तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। हीट मतलब गर्मी और स्ट्रेस मतलब तनाव, दबाव, यानी गर्मी का दबाव जो है वो है, इसका हेडिंग है। और कहने का मतलब ये है कि गर्मी का दबाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। सिटी स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान्स शुड प्रायोरिटाइज ग्रीन स्पेसेस एंड वाटर बॉडीज एंड टारगेट ऑल हीट जनरेटर्स। सिटी मतलब शहर, स्पेसिफिक मतलब विशेष, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, प्लान्स क्या है, ये नाउन है, तो प्लुरल नाउन है, ठीक है। तो प्लान मतलब योजना, ठीक है। शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देना, ग्रीन मतलब हरे और स्पेसेस मतलब जगह, एंड मतलब और, वाटर बॉडीज मतलब वाटर बॉडी, ठीक है, एंड मतलब और, टारगेट मतलब टारगेट करना, ठीक है, टारगेट बनाना, ऑल मतलब सभी, हीट मतलब वही हीट गर्मी, जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला, ठीक है। टारगेट मतलब उद्देश्य बनाना, ठीक है। वाटर बॉडी मतलब पानी जहाँ से निकलता हो, आता हो, वो, ठीक है। तो कह रहा है कि शहर स्पेसिफिक, यानी शहर, विशेष करके शहर का जो प्रबंधन है की जो योजना है उसमें क्या करना चाहिए, ग्रीन स्पेसेस को यानी हरे जगहों को प्राथमिकता देनी चाहिए, वाटर बॉडीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, और जितने भी गर्मी को जनरेट करने वाले, उत्पन्न करने वाले जो भी चीज़ें हैं उनको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। यह है इसका हेडलाइन, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। दोस्तों, जो कोई भी इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इस चैनल पे रोज़ इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल अपलोड होता है। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिन में आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी, अगर आपको इंग्लिश में स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा तो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवन एज लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्वेल्टर इन ए ब्रूटली हॉट समर विद प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, ए रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट शोज दैट राइजिंग टेम्परेचर इज नॉट द सोल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द हीट स्ट्रेस बींग एक्सपीरियंस्ड इन अर्बन इंडिया, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का जो भी जो फर्स्ट सेंटेंस होता है ना, मैं अक्सर देखता हूँ हर एडिटोरियल में, वो कम से कम 3.5 या 3.5 लाइन का ज़रूर होता है, ठीक। तो चलिए, इसमें भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, इनको हम लोग ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इवन मतलब हालांकि या यहाँ तक कि, लार्ज मतलब बड़े, पार्ट्स मतलब हिस्से, कंट्री मतलब देश, शेल्टर मतलब स्वेल्ट होना, पसीने से भीग जाना, ब्रूटली मतलब निर्दयतापूर्वक या फिर कह सकते हैं भीषण, ठीक है। इन मतलब में हॉट समर मतलब गर्मी का समय, ठीक है। विद मतलब के साथ, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबा खिंचा हुआ, हीट वेव मतलब गर्म हवाएं, गर्म लहरें, रिसेंटली मतलब हाल ही में, पब्लिश्ड मतलब छपा हुआ, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट, शोज मतलब दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, दैट मतलब जो, दैट मतलब यहाँ पे की होगा, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, सॉल मतलब अकेला, कंट्रीब्यूटिंग मतलब योगदान देने वाला, फैक्टर मतलब कारक, हीट स्ट्रेस में, हीट मतलब गर्मी के दबाव में, तनाव में, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव किया जाना, इन मतलब में, अर्बन मतलब शहरी, इंडिया मतलब भारत, ठीक है। अब हम लोग इसको बाय टेंस और बाय क्लॉज समझते हैं, ठीक है। इवन एज लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्वेल्टर इन ब्रूटली हॉट समर,
ठीक है, विद प्रोलोंग प्रोलोंग्ड हीट वेव्स, ठीक है, कह रहा है कि हालांकि जो देश का बड़ा भाग है, लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्वेल्टर, तो ये क्या है, भीषण गर्मी के दिनों में स्वेल्टर हो रहा है, पसीने से भीग रहा है, ठीक है, विद प्रोलोंग्ड हीट वेव्स, लंबे खींचे हुए गर्म लहरों के साथ या गर्म हवाओं के साथ, ए रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट, हाल ही में छपा हुआ रिपोर्ट शोज करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा ये जो ऊपर का सेंटेंस था वो कहीं भी क्या है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी वर्ब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है शोज, तो ये सेंटेंस है, ठीक है। तो रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट शोज, दिखाता है कि राइजिंग टेम्परेचर, अब और ये दैट के बाद भी ये अलग सेंटेंस है, ठीक है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, दैट राइजिंग, क्यों, क्योंकि इसका इसमें भी वर्ब है, इज एक्जिलरी वर्ब है और राइजिंग टेम्परेचर सब्जेक्ट है, राइजिंग टेम्परेचर इज नॉट द सोल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, कि बढ़ता हुआ जो तापमान है वही केवल योगदान देने वाला कारक नहीं है, कि इसमें हीट के दबाव में, हीट के तनाव में, गर्मी के तनाव को में योगदान देने वाला केवल अकेला ये कारक नहीं है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर तापमान, बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन अर्बन एरिया, जिसको कि एक्सपीरियंस किया जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है कहाँ पे, शहरी भारत में, ठीक है, ठीक है। एक बार और देखते हैं, तो कह रहा है कि जो भीषण गर्मी है उसमें हमारे देश के बड़े हिस्सों में जो लोग पसीने से भीग रहे हैं, पूरा तरबतर हो रहे हैं, जिस जो कि लंबा खींचा हुआ हीट वेव है, गर्म हवाएं चल रही हैं, तो इसमें एक हाल ही में जो रिपोर्ट छपी है वो ये बताती है कि जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो सिर्फ एक अकेला कारक नहीं है, जो कि हीट के यानी गर्मी के तनाव में योगदान दे रहा है, जिसे कि क्या है, शहरी भारत में अनुभव किया जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाई द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, द एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट ऑफ द समर मंथ्स इन चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद ओवर द लास्ट टू डिकेट्स इज कॉज्ड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर, लैंड सर्फेस टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज वेल एज अ रैपिड इंक्रीज इन बिल्ट इन बिल्टअप एरियाज एंड कॉन्क्रीटाइजेशन। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर साइंस, सेंटर फॉर साइंस और इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक, डिस्कम्फर्ट मतलब असुविधा, समर मंथ्स मतलब गर्मी के महीनों का, इन चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में ओवर द लास्ट टू डिकेट्स, जो लास्ट अंत का दो दशक है उस टाइम से, इच कॉस्ट उस, तो उसका कारण क्या है, किसके कारण होता है, तो बाय ये कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन, मिला करके, ठीक है, किन किन चीज़ों को, एयर टेम्परेचर को, हवा के तापमान को, लैंड सरफेस टेम्परेचर जो ज़मीन का तापमान है उसको मिलाकर, और रिलेटिव और उसके सापेक्षिक जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, नमी है, उसको मिलाकर, एज वेल एज और साथ ही साथ रैपिड इंक्रीज, जो तेज़ी से, रैपिड मतलब तेज, ठीक है, तेज़ी से जो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या, इन बिल्टअप एरिया, जो क्षेत्र बन रहे हैं, मतलब बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड बन रहा है, एंड कॉन्क्रीटाइजेशन और उनका कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, तो इन सब को मिला करके ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं हीट वेव को बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए जो रोशनी है सूर्य की वो पड़ती हैं, तो इनको ये कॉन्क्रीटाइजेशन या जो हमारे मकान बनते हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो हीट को एब्जॉर्व कर लेती हैं, ठीक है, और हीट को एब्जॉर्व करके उस हीट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है 40, तो वो आजकल देखते हैं रात में भी काफ़ी गर्मी लगती है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। मुझे याद है मैं 2005-06 के आसपास अपने गाँव में रहा करता था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी गर्मी के टाइम पे भी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन चीज़ों में ये अब्जॉर्व कर लेती हैं, और रात में फिर जब सूर्य का मतलब रात होता है तो उस समय फिर ये गर्मी रिलीज होती हैं, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सेंटर साइंस और इन्वायरमेंट की का जो
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का जो एक रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो गर्मी के महीनों में इन शहरों में काफ़ी ज़्यादा असुविधा होती है, ख़ास करके लास्ट के 2 दशकों से। तो इसका कारण क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन है एयर टेम्परेचर, लैंड सरफेस टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और साथ ही साथ जो तेज़ी से बढ़ता हुआ क्या है कॉन्क्रीटाइजेशन है और बिल्डिंगें हैं, बिल्ट अप एरियाज हैं जो क्षेत्र बनाए जा रहे हैं उनके कारण ऐसा होता है। ठीक है, इट पोजेज ए ग्रेव रिस्क टू लिव्स स्पेशली अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द एल्डरली, बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन, दोज हु लिव इन स्लम्स एंड वर्क आउटडोर्स। कह रहा है कि यह क्या करता है, पोज करता है। पोज मतलब वैसे तो पोज होता है स्थिति, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोज का जो मीनिंग होगा कॉन्टेक्स्ट में वो होगा लगाना, ठीक है, थोपना, ठीक है। ग्रेव मतलब गंभीर, रिस्क मतलब रिस्क, टू लिप्स मतलब जान पे, स्पेशियली मतलब खास करके, अमोंग के बीच में, वल्नरेबल मतलब कमजोर, ग्रुप्स मतलब समूह, जैसे कि एल्डरली मतलब बड़े बुजुर्ग, बेबीज मतलब शिशु, प्रेग्नेंट वुमेन और दोज मतलब वे लोग हु लिव इन स्लम्स, जो कहाँ रहते हैं, स्लम्स यानी झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं और वर्क आउटडोर्स और बाहर काम करते हैं। ठीक है, हु और लिव है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हु के बाद। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, और यहाँ पे इट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है इट पोजेज। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये क्या करता है कि जान पे, लोगों की जान पे गंभीर रिस्क को थोपता है, खास करके जो कमज़ोर वर्ग हैं, जैसे कि बड़े बुजुर्ग, शिशु या फिर प्रेग्नेंट वुमेन या फिर वो लोग जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और बाहर काम करने जाते हैं, वर्क मतलब काम करना, आउटडोर मतलब बाहर। ठीक है, तो आई होप ये आपको पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। This is the third straight year of severe heat waves in India, which have been far longer, over 10 days long this time than the usual 4 to 8 days. This मतलब यह, is मतलब है, third मतलब तीसरा, straight मतलब सीधा या लगातार कह सकते हैं, ईयर मतलब वर्ष, ठीक है, स्टेट का मतलब सीधा होता है लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग आएगा लगातार। ठीक है, ईयर मतलब वर्ष, सेवरे मतलब कठोर गंभीर, हीट वेव मतलब गर्मी की लहरें, इन मतलब में, इंडिया मतलब भारत, विच मतलब जो, हैव बीन मतलब रहा है, फार मतलब बहुत ज़्यादा, लॉन्गर मतलब लंबा, ओवर मतलब 10 days लॉन्ग मतलब 10 दिन से भी ज़्यादा लंबा। ठीक, दिस टाइम इस बार, देन दिस टाइम मतलब इस बार, देन मतलब की तुलना में, यूजुअल मतलब सामान्य तौर पे, 4 to 8 days 4 से 8 दिनों तक। ठीक है, कह रहा है कि इस बार जो भारत में है गर्म लहरों, कठोर गर्म लहरों की का जो ये वर्ष है ये लगातार तीसरा वर्ष रहा है, जो कि काफ़ी लंबा रहा है, 10 दिनों से लंबा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है। ठीक है, इस बार जो कि सामान्य तौर पे 4 से 8 दिनों तक रहता था उससे ज़्यादा रहा है, हालांकि अभी 10 दिन रहा नहीं है, अभी तो और गर्मी, आज भी इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ऐसा है नहीं कि इसमें एडिटोरियल में लिखे हुए हैं कि 4 से 8 दिन होता था, इस बार 10 दिन रहा तो ज़्यादा हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 दिन ही रहा है, 10 दिन से बहुत ज़्यादा अभी रह रहा है और रहेगा ही, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर्स हैव शॉट अप एज हैज ह्यूमिडिटी, वैसे तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थैंक्स का मतलब कॉन्टेक्स्ट में होगा धन्यवाद, जैसे आपको, आप कहते हैं किसी को, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ना थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज, तो थैंक्स टू क्लाइमेट, किसी को हम लोग थैंक्स कहते क्यों है, कोई चीज़, क्योंकि कोई हमारा काम किसी की वजह से होता है तब हम उसे थैंक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन को धन्यवाद, यानी क्या कि कोई काम जो हो रहा है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर मतलब ताप और शॉर्ट मतलब बढ़ जाना, ठीक है, और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, तो कह रहा है कि थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर्स हैव शॉट अप एज हैज ह्यूमिडिटी, की ये जो टेम्परेचर बढ़ा है, हैव और शॉर्ट अप है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो तापमान जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, तो इसके जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ा है, एज हैज ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी भी इसी की वजह से बढ़ा है, मतलब आर्द्रता या ताप जो नमी होती है वो। ठीक है, बट एज द सी एस ई रिपोर्ट पॉइंट्स आउट द इफेक्ट ऑफ दिस द मॉइस्चर इन द एयर कीप्स स्वेट फ्रॉम इवेपोरेटिंग
fast enough, making it seem even hotter than it actually is compounded by other factors, including changes in land use and the growing urban sprawl. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है. बट मतलब लेकिन, एज जैसा कि सी एस ई का रिपोर्ट है, पॉइंट आउट मतलब संकेत करना. ठीक है, सी एस ई रिपोर्ट सब्जेक्ट है और पॉइंट्स आउट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है. ठीक है, संकेत करता है. द इफेक्ट मतलब प्रभाव, दिस मतलब इसका, इस और ऑफ लगा है तो इसका, इसके इसका प्रभाव. मॉइस्चर मतलब नमी, एयर मतलब हवा, कीप मतलब रहना. ठीक है, कीप मतलब रखना, स्वेट मतलब पसीना, फ्रॉम मतलब से, इवेपोरेट मतलब वाष्पीकरण होना. कोई चीज़ जब हल्की होकर के सूखने लगती है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं. ठीक है, फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से, फास्ट एनफ मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, मेकिंग मतलब बनाना, इट मतलब इसे, सीम मतलब प्रतीत होना, इवन मतलब यहाँ तक कि या हालांकि भी बोल सकते हैं, हॉटर दैन मतलब हॉट मतलब गर्म और दैन मतलब की तुलना में, इट मतलब यह, एक्चुअली मतलब वास्तव में, इज मतलब है, फिर इज कंपाउंडेड, कंपाउंड मतलब और मल्टीप्लाई होते जाना, बढ़ते जाना. ठीक है, बाय मतलब के द्वारा, अदर मतलब दूसरे, फैक्टर्स मतलब कारक, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना, शामिल करते हुए, चेंजेज मतलब परिवर्तन, लैंड यूज मतलब लैंड भूमि का जो प्रयोग है, और ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, अर्बन मतलब शहरी, और स्प्रॉल मतलब फैलाव. ठीक है, तो वैसे स्प्रॉल का मतलब और भी होता है, जैसे लेटना है ना, पड़े रहना, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फैलाव इसका कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सूट बैठेगा. ठीक है, तो कह रहा है लेकिन सी एस ई रिपोर्ट संकेत करता है कि इसका जो प्रभाव है और हवा में जो नमी है वो कीप्स स्वेट फ्रॉम इवेपोरेटिंग, वो क्या करता है कि पसीने को बनाए रखता है, मतलब तेज़ी से वाष्पीकरण होने से होने नहीं देता है, उसको रोक कर रखता है. ठीक है, यहाँ पे स्वेट का किप्स का जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो रोक कर रखना. ठीक है, और मेकिंग इट सीम, और इसको कैसा बनाता है, इसको ऐसा बना देता है कि ये प्रतीत हो कि ये वास्तव में जो है उससे भी ज़्यादा गर्म है. ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि गर्मी तो है ही, लेकिन ये क्या है कि हवा का में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वो क्या करता है कि पसीने को इवेपोरेट नहीं होने देता है, तेज़ी से वाष्पीकृत नहीं होने देता है, तो वो मतलब क्या है कि सॉरी हवा में जो नमी है उसको वाष्पीकृत नहीं होने देता है, और वो नमी जो है वो बना ही हुआ रहता है, तो इससे क्या है कि जो वास्तव में जो गर्मी होती है उससे भी ज़्यादा गर्मी लोगों को महसूस होती है. ठीक है, और इज कंपाउंडेड बाय अदर फैक्टर्स, और इसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है दूसरे कारकों के द्वारा, जिसमें शामिल है क्या क्या, लैंड चेंजेज इन लैंड यूज, जो भूमि का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें जो परिवर्तन हुआ है वो, और जो शहर में जो शहर का जो फैलाव है वो जो बढ़ता जा रहा है वो, तो इन चीज़ों से ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा दोगुनी तिगुनी हो गई हैं, कंपाउंडेड हो गई है. ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. दिस मतलब यह, और फिर हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रिजल्ट मतलब परिणाम. ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ है, तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हुआ है. ठीक है, अर्बन मतलब शहरी, हीट मतलब गर्मी, आइलैंड मतलब द्वीप, इफेक्ट मतलब प्रभाव. ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एक नाम है जो कि दिया गया है, जो शहरीकरण होता है ना, तो शहरीकरण में जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि आइलैंड जैसा ही ये जो होता है शहर, वो आइलैंड किसको बोलते हैं हम लोग, जो नदी में या फिर समुद्र में जो छोटा सा ज़मीनी टुकड़ा होता है उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, तो ये इसी तरीके से इसको नाम दिया गया है कि ये एक आइलैंड की तरह शहर होता है, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो इसका इफेक्ट जो पड़ता है उसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, द ट्रैपिंग ऑफ हीट ड्यू टू ए डेंस कंसेंट्रेशन ऑफ बिल्डिंग्स, पेव्ड रोड्स एंड अदर सर्फेसिस मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉन्क्रीट, ग्लास एंड स्टील, रिजल्ट्स इन हायर टेम्परेचर्स इन सिटी सेंटर्स दैन इन द आउटलाइंग एरियाज. ट्रैपिंग मतलब फंसना, हीट मतलब हीट गर्म हवाओं का, ड्यू टू के कारण, डेंस मतलब घने, कंसंट्रेशन मतलब सघनता, बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग, पेव्ड मतलब बनाया जाना, और रोड
रोड मतलब रोड, अदर मतलब दूसरे, सरफेस मतलब सतह, मेड ऑफ मतलब बना हुआ होना मटेरियल का, जैसे मैं कंक्रीट, ग्लास मतलब कांच, स्टील, रिजल्ट्स, फिर यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है रिजल्ट मतलब परिणाम होना, इन हायर, हायर मतलब ज़्यादा, टेम्परेचर मतलब तापमान, सिटी सेंटर्स में शहर के केंद्रों में, दैन की तुलना में, इन द आउटलाइंग एरियाज बाहर के क्षेत्रों में, ठीक है। तो कह रहा है कि बिल्डिंग और जो रोड बने हुए हैं और जो दूसरे सरफेसेस हैं, एक मिनट, तो हम कहाँ थे, द ट्रैपिंग ऑफ हीट पे थे, ठीक है। एक्चुअली वो अभी जिस मैं घर में रहता हूँ उसकी जो ऑनर हैं वो आ गई थी, तो कुछ बोल रही थी, तो इसलिए मैं चला गया था, ठीक है। तो द ट्रैपिंग ऑफ हीट मतलब हीट जो फंस जाता है ड्यू टू, किसके वजह से, हीट मतलब घने सघनता के कारण जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो रोड बन पेव्ड रोड हैं मतलब रोड बने हुए हैं, अदर जो सतहें हैं जो कि मटेरियल्स जैसे कि कंक्रीट, ग्लास, स्टील, इन सब चीज़ों से बनी हुई है, तो उनकी जो काफ़ी घनी सघनता है उसकी वजह से हीट जो ट्रैप हो जाता है, हीट जो फंस जाता है, वो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि शहर के केंद्रों में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइयर टेम्परेचर, ठीक है, अब बाहर के क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है, बाहर के क्षेत्रों में जो टेम्परेचर होता है उसकी तुलना में जो शहर के केंद्र है उनमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वन अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इज दैट समर नाइट्स नाउ ऑफर लिटिल रेस्पाइट फ्रॉम द शेयरिंग हीट ऑफ द डे विद सिटीज क्रॉस क्लाइमेट जोन्स नॉट कूलिंग डाउन एट द रेट दे वंस डिड। वन मतलब एक, अलार्मिंग मतलब खतरनाक, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, दिस ऑफ दिस मतलब इसका, इज मतलब है, दैट की समर मतलब गर्मी की रातें, नाइट्स मतलब रात, नाउ मतलब अब, ऑफर मतलब प्रस्ताव करना, देना, लिटिल मतलब कम, और रेस्पाइट मतलब राहत, फ्रॉम मतलब से, शेयरिंग मतलब झुलसाने वाली, ठीक है, जला देने वाली, हीट मतलब गर्मी दिन की, विद मतलब से, सिटीज मतलब शहरों से, अक्रॉस मतलब के पार, क्लाइमेट मतलब जलवायु, जोन्स मतलब क्षेत्र, नॉट मतलब नहीं, कूलिंग डाउन मतलब ठंडा करना, एट द रेट दर पे, दे मतलब वे, वंस मतलब एक बार, डिड मतलब क्या करते थे। एक मिनट, कॉल आ रहा है किसी का, देखो। तो कहाँ थे हम, हाँ, वन अलार्मिंग कॉन्सिक्वेंस पे थे, ठीक है। तो कॉल आ गया था तो बात करने लगा था, ठीक है, अब मैं भूल भी गया कहाँ था कहाँ नहीं, इसी के आसपास था, तो चलिए बढ़ते हैं। तो एक खतरनाक जो परिणाम है इसका, वो ये है कि जो गर्मी की रातें हैं अब, उसमें जो शेयरिंग यानी झुलसा, दिन की जो झुलसाने वाली गर्मी है उससे कम ही राहत मिल पाती है, जो कि पहले की तुलना में जो राहत मिलती थी जिस रेट पे मतलब ठंड होती थी, उस रेट पे अब ठंड नहीं हो पाती है रात में, और कम ही राहत मिल पाती है। विद सिटीज अक्रॉस क्लाइमेट जोन्स, जो क्लाइमेट जलवायु क्षेत्र में जो शहर आते हैं वो नॉट कूलिंग डाउन, वो ठंडे नहीं हो पाते हैं एट द रेट, उस रेट पे जिस रेट पे पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब गर्मी के रातों में जो झुलसाने वाली गर्मी है दिन की, उससे राहत जो है वो कम ही मिल पाती है, ठीक है। दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ फॉर कंसर्न एज द हीट स्ट्रेस कंटिन्यूज टू बिल्ड, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस एंड इवन डेथ। दिस मतलब यह, इज मतलब है, सीरियस मतलब गंभीर, कॉज मतलब कारण, फॉर मतलब के लिए, कंसर्न मतलब चिंता, हीट मतलब हीट स्ट्रेस मतलब हीट गर्मी का तनाव, कंटिन्यूज मतलब लगातार जारी है, बिल्ड मतलब बनना, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाते हुए, रिस्क मतलब रिस्क, हीट यानी गर्मी, रिलेटेड मतलब संबंधित, इलनेस मतलब बीमारी, इवन मतलब यहाँ तक कि डेथ मतलब मृत्यु। तो कह रहा है कि ये एक जो चिंता है उसका गंभीर कारण है कि जो हीट का स्ट्रेस है, गर्मी का जो तनाव है वो लगातार बनता जा रहा है, और ये हीट रिलेटेड गर्मी से संबंधित बीमारियों और यहाँ तक कि डेथ मृत्यु के रिस्क को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थर्ड पैराग्राफ मैं रहने देता हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।